गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट साइंस क्लास। आई एम योर साइंस टीचर श्वेता तिवारी। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर रिव्यू मींस एक्सरसाइज। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसके आपको चार ऑप्शंस दिए हुए, जिसमें से जो ऑप्शन आपका सही रहेगा उस पर आपको टिक लगाना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो अवर फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रीज आर कॉल्ड। ट्रीज को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स, ओमनिवोरस या पेरिसाइट। तो क्या आएगा ट्री हमारा? ऑटोट्रॉफ्स। ओके, तो टिक लगाइए ऑटोट्रॉफ्स पर। आप चाहे तो यहाँ पीछे भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ ए के सामने भी लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ अवर सेकेंड सेंटेंस इज अ डियर इज ए और एन। अब जो डियर है वो क्या है? कार्निवोर, ओमनिवोर, हर्बीवोर या स्क्वेंजर। तो क्या है हमारी जो डियर है, क्या है वो? हर्बीवोर। तो हर्बीवोर पे टिक लगाइए, सी वाले ऑप्शन पर टिक लगाइए। गुड, नाउ कम ऑन थर्ड। वी ईट द लीव्स ऑफ अ प्लांट। हम जो प्लांट की लीव्स खाते हैं वो किस में आती है? वो क्या है? स्पिनेच, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, ब्रिंजल। इसका मतलब पता है आप लोग को? स्पिनेच मतलब पालक, कॉलीफ्लावर मतलब गोभी, पोटैटो मतलब आलू, ब्रिंजल मतलब बैंगन। तो हम क्या खाते हैं? इसका ऑप्शन क्या है? स्पिनेच। ओके, तो टिक लगाइए ए वाले ऑप्शन पर। तो हम जो प्लांट का लीव्स खाते हैं वो कौन सा पार्ट होता है? स्पिनेच होता है। फिफ्थ फोर्थ है हमारा, ऑनियंस आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट। अब जो जो ऑनियंस होते हैं वो प्लांट का कौन सा रूप होते हैं? रूट्स, स्टीम, फ्लावर, लीव्स। तो इसमें क्या आएगा? स्टीम्स। जो ऑनियंस होते हैं वो प्लांट के किस रूप में चेंज होते हैं? स्टीम्स के रूप में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नाउ कम ऑन फिफ्थ। काउज आर, अब गाय क्या है? ओमनिवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, स्क्वेंजर। तो क्या है काउ? काउ एक हर्बीवोरस है जो ना तो मीट खाती है और ना केवल क्या खाती है? प्लांट्स खाती है, प्लांट्स प्रोडक्ट या प्लांट्स। नाउ कम ऑन सेकेंड। सो अवर सेकेंड टॉपिक, सेकेंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, मीन खाली स्थान भरिए। ओके, सो अवर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। सो दे आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं? इसका हिंदी मीनिंग हुआ जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो मानव होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं डिपेंड ऑन प्लांट, जो प्लांट पर डिपेंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफ्स। तो लिखिए यहाँ पे एच ई टी ई आर ओ, आगे स्पेलिंग नीचे लिखिए टी आर ओ पी एच ए, जिसे क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफ्स। कम ऑन सेकेंड। वी ईट ऑफ अ पोटैटो प्लांट। हम प्लांट में जो पोटैटो खाते हैं वो क्या होता है? स्टीम होता है, रूट होता है, फ्लावर होता है, क्या होता है वो? स्टीम होता है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे एस टी ई एम। हम जो पोटैटो खाते हैं वो प्लांट का स्टीम वाला पार्ट होता है। चलिए थर्ड पर आइए,
एनिमल्स डेट फीड ऑन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड एनिमल डेट फीड, जो एनिमल्स होते हैं फीड ऑन बोथ, जो एनिमल्स प्लांट और एनिमल्स अपना फीड करते मींस अपना पोषण कंप्लीट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। लिखे यहाँ पे ओ एम एन आई वी ओ आर ई एस, उन्हें बोलते हैं ओमनीवोरस। नाउ कम ऑन फोर्थ, अ टेल टेल्स अस हु ईट्स होम इन नेचर। ये किसने कहा है, हु ईट्स होम इन नेचर, प्रकृति में कौन किसको खाता है, तो ये क्या है, इसे क्या कहा गया है, फूड चेन मींस आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला। लिखिए यहाँ पे अ एफ डबल ओ टी फूड, इसके आगे लिखिए चेन सी एच ए आई एन फूड चेन। रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी एंड वैक्स इज कॉल्ड, जहां पर रियरिंग जो कच्चा हनी होता है फॉर हनी के लिए एंड वैक्स इज कॉल्ड, जिससे मोम बनता है उसे क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। क्या बोलते हैं उसे, एपीकल्चर। लिखिए यहाँ पे ए पी आई सी यू एल टी यू आर ई एपी कल्चर। सो स्टूडेंट्स आगे आप लोगों को समझ में, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।